प्रायोजक B6 कैप्सूल और ट्यूब बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए अहम उपलब्धि, यूपी सरकार और भारतीय नौसेना के बीच अहम करार। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी करने के दिए निर्देश। यूपी उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, पिथौरागढ़ में नदी में बहे आईटीबीपी जवान की मौत। प्रधानमंत्री ने नए टैक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, कहा ईमानदार करदाताओं का सम्मान जरूरी। यूपी से बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। एसटीएफ को सौंपे गए यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर फेल होने के मामले की जांच, मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 की बैठक में दिए निर्देश। देहरादून में होगा 3 दिन का विधानसभा सत्र, उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यक्ष को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1 साल के लिए सभी विधायकों के वेतन भत्ते 30% तक कटेंगे। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का रिहर्सल, बैंड की धुन पर सेना के जवानों ने किया कदमता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव, सर्दी हल्के बुखार की शिकायत के बाद हुआ था टेस्ट। सीएम योगी ने महंत नित्य गोपाल दास का हाल जाना, मेदांत अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रिहान से बात की। भदोही से विधायक विजय मिश्रा ने वीडियो जारी कर बताया जान को खतरा, कहा पत्नी और बेटे को फर्जी में फंसाया जा रहा है, मेरा इतना ही दोष, मैं ब्राह्मण हूं। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया, पुलिस और विधायक के बीच नोकझोंक का वीडियो। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक से पुलिस की मारपीट का मामला, सीएम योगी ने लिया सख्त एक्शन, आईजी से तलब की रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर में जमकर बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। चमोली में बोल्डर और मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, अलकनंदा पिंडर और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान तक पहुंची। विकास दुबे मामले में खुलासा, जुए का भी बड़ा नेटवर्क चलाता था विकास दुबे, जुआ खेलने वालों से ली जाती थी 5% रकम। सुदीक्षा भाटी मामले में एसआईटी की जांच तेज, सुदीक्षा के घर पहुंची एसआईटी, परिजनों से की बातचीत। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बुलंदशहर में कोविड-19 कंट्रोल रूम का दौरा किया। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने बच्चों के स्वस्थ पोषण के लिए विटामिन ए की खुराक मिलाकर किया शुभारंभ। औरैया में लेखपाल से लूट करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, बाइक 3 तमंचा कारतूस बरामद, फफूंद पुलिस की कार्रवाई। आगरा में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा, छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई। वाराणसी की सभी पीएचसी और सीएचसी के प्रभारियों ने एक साथ दिया इस्तीफा। बेंगलुरु दंगे पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला।